और बुलेटिन में अब बात किसान आंदोलन की। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत करेगा और इसी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन यूपी उत्तराखंड की शुरुआत हो जाएगी। चुनावी मौसम है, 5 महीने बाद चुनाव है और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा भी आज से चुनावी बिगुल बजाने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक महापंचायत होगी। इस महापंचायत में 20 किसान नेता और 20 खा प्रमुख भी बोलेंगे। महापंचायत में देश के करीब 5 लाख किसानों को जुटाने का टारगेट। योगेंद्र यादव, दर्शन पाल और बलबीर राजेवाल भी महापंचायत का हिस्सा बनेंगे। टिकैत परिवार के गढ़ कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में इसे राकेश टिकैत का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। हालांकि राकेश टिकैत ने इस महापंचायत को राजनैतिक मंच मानने से इनकार कर दिया है। चुनाव में हम नहीं जा रहे, न हमारा चुनाव का कोई मतलब है, न हम चुनाव में जाएंगे। कोई सियासत नहीं, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल आदमी नहीं आएगा, ना कोई सियासत वहाँ पे है। वहाँ सिर्फ किसान रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे, हमारे खाप पंचायत के लोग रहेंगे, ये लोग वहाँ पर रहेंगे। कि चुनावी हमारा एजेंडा है नहीं, हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारा राजनीति से लेना देना नहीं है, ना किसी राजनेता को हम आने देते हैं, ना किसी राजनीतिक मंच को शेयर करते हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी उत्तराखंड में बीजेपी को हराने के लिए मिशन यूपी उत्तराखंड तैयार किया है। इसके तहत इन दोनों राज्यों में छोटी बड़ी सभाओं के जरिए किसान नेता बीजेपी के विरोध में प्रचार करेंगे। इससे पहले पश्चिम बंगाल, असम, केरल विधानसभा चुनाव में भी संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी के खिलाफ अभियान चला चुका है। इस महापंचायत के शुरू होने से पहले ही मुजफ्फरनगर पूरी तरह से किसानों के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर होर्डिंग और पोस्टरों से पटा पड़ा है। बागपत से लेकर पंजाब के संगरूर तक कल महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनी और फिर किसान महापंचायत के लिए रवाना हो गए। कई जिलों और कई राज्यों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मुजफ्फरनगर के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर ये बात कही। सरकार ने तो बार बार कहा है कि इन बिलों में, इन कानूनों में अगर किसी भी किसान को लगता है देश में कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए तो सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सरकार ने जो भी बातें किसानों ने की मानने का काम उस समय किया, संशोधन के प्रस्ताव दिए। अब वो तो संयुक्त किसान मोर्चा बता पाएगा कि उन्हें किस प्रावधान से दिक्कत है। अगर उस किसी प्रावधान की दिक्कत बताएंगे, सरकार हमेशा से दूर करने के लिए तैयार बैठी है। महापंचायत को लेकर प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है। लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक आला पुलिस अधिकारी इस महापंचायत पर करीबी नजर रख रहे हैं। व्यवस्थाएं हैं जहाँ जिन जनपदों से संभावना है किसानों के जाने की, वहाँ पर रास्ते में पुख्ता व्यवस्था है। हरियाणा, पंजाब, वहाँ से भी, उत्तराखंड, वहाँ से भी कुछ किसानों के आने की संभावना व्यक्त की गई है। मुजफ्फरनगर में जो ग्राउंड है जहाँ पर ये महापंचायत होनी है, वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। तो इसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम हमें ना आए। मुजफ्फरनगर में आज संयुक्त किसान मोर्चा अपनी ताकत दिखाएगा। अब देखना ये है कि चुनाव से पहले इस महापंचायत के मंच से क्या बोला जाता है। क्या सिर्फ किसानों के हितों की बात होती है या फिर लाउडस्पीकर से चुनाव को लेकर कोई बड़ा ऐलान होता है। ABP News आपको रखे आगे।